श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, ये जो है झूठे वायदे और झूठी आश्वासन, यही इस सरकार की पहचान बन गई है। सच्चाई ये है कि ये गांव है मोहम्मदपुर हमीद खान, ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, टेली हल्के के अंदर। 2017 में इन्होंने जो है ये कहा था, इन्होंने प्रपोजल भेजी थी कि हमारा गांव जो है मोहम्मदपुर हमीद खान को मोहनपुर बना दिया जाए। बार बार जो है इनको आश्वासन दिया गया, बार बार वहां पे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आ गए, फिर भी जो है उनका कोई जो है एक छोटा सा काम कि नाम ही चेंज करना था, वो 2017 से लेकर आज 2023 हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरी प्रार्थना है कि उसका करवा दीजिएगा। साथ के साथ अध्यक्ष जी, जो है हमारे भिवानी जिले के साथ बहुत ज्यादा हो रही है। हमारा जो है 2020 का जो है कॉटन क्रॉप्स का जो है 81 करोड़ जो है वो अप्रूव हुए थे पैसे देने के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए, और अभी तक 35 करोड़ जो है वो अभी तक दिए नहीं गए हैं। 16 गांव जो है तो शाम के, 22 सिवानी के और 16 कैरू के, यहाँ पे भी सैंक्शन हुए थे 364 करोड़, उसमें भी जो है 140 करोड़ वो अभी तक नहीं दिया गया है। और 2022-23 का जो है डैमेज हुआ है जो रबी क्रॉप का, पाला का और हेलस्टॉर्म के कारण, वहां पे भी जो है 300 करोड़ का जो है इतना जबरदस्त डैमेज हुआ है, पर खाली मात्र 10 करोड़ के करीब जो है फॉर्मेलिटी के करीब जो है वो वहां पे बांटा गया है। और दूसरी बात अध्यक्ष जी, सबसे हैरानगी की बात यह है कि किसानों से जो है फसल बीमा योजना तो जो है उनके केसीसी कार्ड और उसके जरिए जबरदस्ती कटवा लेते हैं, लेकिन जो है कोई कंपनी को एंगेज ही निर्धारित ही नहीं कराए, तो जो है बेचारे फार्मर्स हैं वो अपनी क्लेम कैसे लेंगे? ये तो कमाल की बात हो गई है। तभी तो जो है ये मंत्री जी का जो है आवाज पूरी तरह से, किसान जो है कल जो है पूरे इतने भारी तादाद के अंदर घेर रहे थे, ये हालात जो है हो रहे हैं। साथ ही साथ मंत्री अध्यक्ष जी, हमारा जो है बापुड़ा का वाटर वर्क, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, 84 विलेजेस को ये सप्लाई करा करता था, आज जो है वो 1-3 विलेजेस रह गए हैं, बापुड़ा को भी पानी पूरा नहीं मिलता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम पानी की पूरी भरपाई करेंगे, वो भी पूरा कर दीजिए, अभी तक तो हुआ नहीं है। हमारे सारे के सारे वाटर वर्क्स जो हैं सफाई नहीं हुई है, हालात यह है कि गंदा पानी पी रहे हैं। और खानक के अंदर हमारा आरओ का जो वाटर प्लांट है वो बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है, उसको दुरुस्त करवाया जाए। और साथ के साथ हमारे जो गाँव हैं बापुड़ा, मीरान, बीरन, डांग, सांगवान, भेरा, ईसरवाल, संडवा, मलवा, सारे के सारा पानी से ग्रस्त है, यहाँ पे कोई निकासी नहीं है। मैं कम से कम 5 बारी इस विधानसभा में ये बात उठा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसका भी काम करवाइए, नहीं तो इसको मैं कमेटी के अंदर लेकर आऊंगी। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये पुलिस वाले मेरे पास आए थे और जेल एसोसिएशन वाले आए थे, इनको जो पे स्केल जो है इनका बराबर का दे दो, पंजाब वालों को भी मिल रहा है, इन बेचारों को पंजाब को मिल रहा है, दिल्ली को मिल रहा है, चंडीगढ़ को मिल रहा है, हिमाचल को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है लिपिक वाले जो है बच्चे जो है हमारे वो बैठे हुए हैं, उनका जो है मानदेय बढ़ा दीजिए, आशा वर्कर्स जो है सभी बात ये कह रहे हैं, और गेस्ट टीचर्स जो है, मुद्दे तो बहुत है अध्यक्ष जी, जल्दी जल्दी में रेल बना रखी है मैंने, फिर भी आप सारी बात नहीं सुनते। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो है इसको मैं ये टेबल करूँ क्या, ये सारे कागज बोल तो दिए 3 मिनट का टाइम होता, 0 ओवर का।